अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं हूं शहज़ाद अली और आप देख रहे हैं ट्रिक्स की दुनिया। जी दोस्तों, ट्रिक्स की दुनिया चैनल पे सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आप दोस्तों भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक। जी दोस्तों, जो मेरे दोस्त भाई अभी तलीम हासिल कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी ट्रिक है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ट्रिक्स की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रिक्स की दुनिया चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना कोई ना कोई अच्छी और लेटेस्ट ट्रिक्स मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त अभी तलीम हासिल कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक एप्लीकेशन है। तो मैं इसे ओपन करके आपके साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, अगर आप यानी कि स्टूडेंट हैं और आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि आपको किसी भी ज़बान का तर्जमा चाहिए, समझ लें कि हमें अक्सर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, हम कोई भी चीज़ इंग्लिश में यानी कि उसके उर्दू ज़बान में तर्जमा करने की कोशिश करते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये आपकी मुकम्मल तौर पे हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे ऊपर हमने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सेलेक्ट कर लिए इंग्लिश, और यहाँ पे दूसरी तरफ हमने सेलेक्ट कर लिया उर्दू, यानी कि हम इंग्लिश का तर्जमा उर्दू में करेंगे। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि आप इसके ज़रिए से दुनिया की हर ज़बान का तर्जमा कर सकते हैं, और इसमें बहुत से कमाल फ़ीचर हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको तमाम फ़ीचर का पता चल सके। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में कुछ भी लिख लेते हैं, जैसा कि समय लेके हम लिख लेते हैं नेशनल। ठीक है, हमने नेशनल लिख लिया, तो अभी इसका ये तर्जमा हमारे पास आ गया कौमी। ठीक है, नेशनल कौमी, कौम कौमी। ठीक है, तो ये तो बंदा हर बंदा जानता है कि हम किसी भी डिक्शनरी से ये काम कर सकते हैं। तो ख़ास चीज़ क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो हमारे पास चार ऑप्शन आ रही हैं। जी, पहली ऑप्शन है कैमरा, दूसरी है हैंडराइटिंग, तीसरी कन्वर्सेशन और चौथी है वॉइस। तो यहाँ पे अगर आप कैमरा के ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो बहुत कमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे कैमरा के ऑप्शन से आपके पास समय लेके कोई पेज है, कोई कापी है, तो आपने बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं ये गूगल को, तो आपने उस पेज को सामने रख लेना है। ठीक है, और उसकी यहाँ पे पिक्चर ले लेनी है, जैसा कि समझ लें मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हम पिक्चर ले लेंगे। जी दोस्तों, पिक्चर लेने के बाद आपको यहाँ से एक एक लफ्ज़ का तर्जमा मिल जाएगा बड़ी बड़ी ही आसानी के साथ। तो ये देखें, ये हमारे पास सारे जो हमारे वर्ड हैं वो यहाँ पे ब्लॉक में आ गए हैं। तो आपने किसी भी लफ्ज़ को टच करना है तो उसका तर्जमा आपके पास आ जाएगा, जैसा कि वोकेबलरी का तर्जमा है अल्फाज। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश, अंग्रेज़ी हो गया। ठीक है, ये कोई लफ्ज़ है, वर्क प्लेस, शायद काम की जगह। यहाँ पे और किसी लफ्ज़ पे टच करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि आपने किसी भी चीज़ की जिसका आपको तर्जमा चाहिए, आपकी कॉपी पे कुछ भी या आपकी बुक पे कुछ भी लिखा है, तो आपने बस बुक को ऐसे सामने रखना है और यहाँ पे उसकी ले लेनी है पिक्चर। ठीक है, थोड़ी ही देर बाद आपको गूगल ट्रांसलेट कर देगा, आपको लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जमा मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इस पर टच करते हैं सवालात। ठीक है, अबाउट मतलब के बारे, मतलब क्या लें के बारे। ठीक है, यहाँ पे आर रेडी, पहले से। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि आपने किसी भी तस्वीर को लेना है और उसका तर्जमा कर लेना है, बहुत ही कमाल का फीचर है। उसके बाद हैंड राइटिंग आ जाता है, ये आपको पता ही है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, जैसे कि समय लेके हम लिख देते हैं लव लिख लें। ठीक है, तो इसका तर्जमा हमारे पास गूगल कर देगा। यहाँ पे ऊपर आप देखें क्या तर्जमा आ गया, मोहब्बत। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक्स लिख देता हूँ, ठीक हो गया, तकनीक्स, ट्रिक्स का मतलब है तकनीक्स। तो ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। अगर वॉइस को सर्च कर लें तो आप वॉइस के ज़रिए भी ये सारे फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप इस यानी कि एप्लीकेशन का और एक और बहुत अच्छा फीचर है कि आपने इंग्लिश तो हमको थोड़ी बहुत आती है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से चाइनीज़, ठीक है, और चाइनीज़ को हम उर्दू में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ चाइनीज़ के लफ्ज़ ले लेता हूँ अपने कंप्यूटर पे, और यहाँ पे मैं कैमरा ओपन करता हूँ, वही फ़ीचर यूज़ करूँगा। यहाँ पे ये देखें कुछ चाइनीज़ के अल्फाज हैं, तो पिक्चर ले लेते हैं, ना मुझे इनका पता है ना आपको पता है।
तो इनका भी तर्जमा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। जैसा कि ये गूगल सर्च कर रहा है इसके बारे में, ये देखें एक एक लफ्ज़ उसने सेलेक्ट कर लिया, तो हम इसका तर्जमा देख लेते हैं। जी चीनी, इसका देख लेते हैं। अफीसर, इसका भी ये सेम सेम लफ्ज़ है, अफीसर ये इसका अल्फाज। तो ये देखें दोस्तों, आप चाइनीज़ ज़बान कोई सी भी ज़बान हो आप उसका तर्जमा कर सकते हैं आसानी के साथ। तो जो मेरे भाई पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, तालिबे इल्म हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि आप एप्लीकेशन को किस तरह हासिल कर सकते हैं। आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है और यहाँ पर लिख लेना है गूगल ट्रांसलेट। ये देखें यहाँ पर आपने लिख लेना है गूगल ट्रांसलेट। जी गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे तो ये देखें ये एप्लीकेशन आपके पास आ गई है। तो सिर्फ 13 MB की एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन में एक और भी खूबी है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट के बिना भी आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर हर ज़बान को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी ज़बान आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड की ऑप्शन है, चाइनीज़ के सामने डाउनलोड, इंग्लिश इसमें ऑलरेडी मौजूद होती है, हिंदी के सामने डाउनलोड, स्पेनिश के सामने। तो आप जो ज़बान डाउनलोड कर लेंगे आप बिना फिर इंटरनेट के बिना भी हर एक चीज़ का तर्जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छी एप्लीकेशन है, आप यूज़ करके काफ़ी अच्छी यानी कि इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, खास करके स्टूडेंट। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ट्रिक्स की दुनिया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी ट्रिक्स मिलती रहें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।